अच्छा अब ये बताओ कि लोग क्या चीज पर तकब्बुर आमतौर पर करते हैं, क्या चीज पर घमंड करते हैं आमतौर पर, आमतौर पर बताओ। अगर इसके पास ज्यादा है, हम लोग के पास कम है, तो इसको घमंड, इसको नहीं किसी को, ये हमारे भाई है, हाँ, तो किसी के पास ज्यादा हो, क्या चीज ज्यादा होती है नॉर्मली, पैसा, किसी के पास पैसा ज्यादा है ना, तो कोई समझता है मैं पैसे वाला हूँ, ये गरीब है, तो किसने उसे पैसे वाला बनाया? अल्लाह ने बनाया। आपको पता है बहुत ज्यादा पैसे वाला शख्स था, बहुत ज्यादा, हाँ, और उसे बहुत घमंड था अपने पैसों पर, कौन था वो, कौन बताएगा, क्या नाम था उसका? दज्जाल नहीं, इब्लीस, फिरौन, और सोचो कारून, कारून सूरह कसस में, अब्राहा, बिल्कुल सही, ताकत का घमंड था, क्या हुआ उसका, वो और उसकी फौज खत्म हो गई, हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि कारून की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है, सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 76, उसमें आता है कि कारून के पास इतना माल था कि वो माल की सिर्फ चाबियां उठाने के लिए बहुत सारे लोग लगते थे, बहुत सारे लोग वजन उठा के जा रहे हैं, क्या ये चाबियां हैं, सोचो खजाना उसका कितना बड़ा था, हाँ, और वो कहता था इन्नमा उतीतु अला इल्मिन इंदी, ये मुझे दिया गया है क्योंकि मेरे पास बहुत नॉलेज है, क्यों दिया गया है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, नॉलेज अगर है तो किसकी दी हुई है, अल्लाह की, उसे एहसास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए, क्या अगर आपके पास नॉलेज है तो क्या किसका दिया हुआ है, अल्लाह का, तो इल्म के ताल्लुक से तकब्बुर कर सकते हैं, मेरे पास नॉलेज है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या कहना चाहिए था, ये जो माल है ना अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, मैं नेक काम करूंगा, ये कहना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा, ये मेरी नॉलेज की वजह से मिला, तो अल्लाह ताला ने उसे क्या सजा दी मालूम है आपको, कारून को, बच्चों आपको मालूम है कारून को क्या सजा मिली, उसके घमंड की वजह से, उसके तकब्बुर की वजह से क्या सजा मिली, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, अल्लाह ताला ने उसे और उसके घर को जमीन के अंदर धसा दिया, जमीन के अंदर धसने का मतलब समझो, ये जमीन है तो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर होते हैं ना हम लोग, तो उसे और उसके घर को जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने धसा दिया, जमीन के अंदर 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 चला गया, ये उसकी सजा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, अब जमीन के अंदर धसने की सजा उसको मिली, जमीन के अंदर चल जाने की सजा मिली, और उसे जहन्नम की आग की सजा मिलेगी उसके तकब्बुर की वजह से, क्योंकि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत नहीं जाएगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह कसस के अंदर इस आयत के थोड़ी आयतों के बाद आयत नंबर 83 में, तिलकत दारुल आखिरतु, वो जो आखिरत का घर है, नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्ज वला फसादा, ये अल्लाह ताला ने जो आखिरत का घर है, कौन सा घर का नाम क्या है, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा, अल्लाह ताला ने जन्नत का घर किसके लिए बनाया है, नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्ज वला फसादा, जो जमीन में बड़ाई नहीं चाहते, बड़ाई होती है ना, बड़ाई जमीन में अपने आप को बड़ाई मानने के लिए वो नहीं चाहते, और जमीन पर जो लोग फसाद नहीं चाहते, जो लोग फसाद चाहते हैं और बड़ाई चाहते हैं उनके लिए जन्नत का घर नहीं है। आप लोग चाहते हैं क्या, चाहते हैं जन्नत, चाहते हैं यस, तो फसाद नहीं करना है और जमीन में क्या करना है, बड़ाई नहीं करना है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।